Good morning, children. Today I am going to teach you class 2 science chapter 3 useful plants. Plants are very useful to us. We get many things from plants. Most of our food comes from plants. Food is stored in different parts of plants. Plants also make our homes and school look beautiful. तो देखो, जो plant है वो हमारे लिए बहुत useful होता है. जैसे कि plants से हम बहुत से सारे चीज पाते हैं. Most of our food comes from plants. जितने भी सारे हम food खाते हैं वो सब plants से आता है. Then food is stored in different parts of plants. और जितने भी food है वो plant का different part में store होके रहता है. And plants also make our homes and school look beautiful. और plants से हम अपना घर बनाते हैं और हमारा school जो है और भी कई सारे चीज plant के वजह से बहुत खूबसूरत लगता है. So हम पहले पढ़ेंगे food from प्लांट्स. हम प्लांट्स से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पाते हैं. जितने भी सारे फूड हम खाते हैं वो सब हम प्लांट्स से ही पाते हैं. प्लांट्स गिव्स अस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. प्लांट हमें बहुत से सारे फूड देता है. जैसे कि प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स. प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स. वी ईट रूट ऑफ सम प्लांट्स. कोई कोई प्लांट का हम रूट खाते हैं. जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो. पिक्चर है देखो, वहां पर है कैरेट, ईट बीटरूट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो. इन सब का कौन सा पार्ट खाते हैं हम? रूट. ठीक है. देन वी ईट स्टीम ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, सुगर केन. और ऐसे भी कई प्लांट्स है जिसका हम स्टीम खाते हैं. कौन सा पार्ट? उसका स्टीम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, जिंजर, सुगर केन, इन सब का हम क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं. नेक्स्ट वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स. दोज आर स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस और कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं. जैसे कि लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज. ठीक है. देन वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. और कई कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसका हम फ्रूट्स खाते हैं. दोज आर टोमेटो, पम्पकिन, ककम्बर, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर. ये सब क्या है? प्लांट्स का फ्रूट है जिसको हम खाते हैं. देन प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स. प्लांट्स और हमें क्या देता है? फ्रूट्स भी देता है. Many plants gives us fruit to eat. ऐसे बहुत सारे plants है जो हमें fruits देते हैं खाने के लिए. Those are mango, tomato, banana, apple, grapes, pear, guava, orange, papaya, pineapple. पीछे है तस्वीर में देखो, ये जितने भी सारे fruits है ये सब हम plants से ही पाते हैं. ठीक है. Then plants gives us food grains. Plants also gives us food grains. Some plants gives us food grains to eat. हम जो खाना खाते हैं वो भी कहाँ से आता है? Plants से आता है. Those are rice, wheat, corn and jowar. Then plants gives us pulses. Some plants gives us pulses like gram, pea, green gram, सोयाबीन. और कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमें पल्सेस देते हैं, जैसे कि ग्राम, पी, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन. ठीक है. वी गेट दोस पल्सेस फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट. और ये पल्सेस हम, ये जो जितने भी प्लांट है उनका जो सीड होता है उससे हम पाते हैं. देन प्लांट्स गिव्स अस नट्स. सम प्लांट्स गिव्स अस नट्स. ऐसे भी कई सारे प्लांट्स है जो हमें नट्स देते हैं, जैसे कि आलमंड, कैस्पर नट, वॉलनट, जिसका हम क्या खाते हैं? नट.
खाते हैं। देन प्लांट्स गिव्स अस शुगर, टी, कॉफी, कोकोआ, ठीक है, और भी कई सारे प्लांट्स हैं जो कि हमें शुगर देते हैं, टी, कॉफी, जितने चाय कॉफी जो हम पीते हैं, कोकोआ, ये सब भी प्लांट्स से आता है। सम प्लांट्स गिव्स अस शुगर, टी, कॉफी, कोकोआ, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। हम शुगर कहाँ से पाते हैं? शुगर केन प्लांट से। देन वी गेट टी फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट। जो टी प्लांट है उसका जो लीफ है उस लीफ से हम टी बनाते हैं या पाते हैं। देन मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे भी कई सारे प्लांट्स हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन पाते हैं। सम प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन, दे आर तुलसी प्लांट, नीम ट्री, इक्वलिपटस ट्री, गार्लिक प्लांट, ये जितने भी सारे प्लांट हैं ये सब हमें मेडिसिन देते हैं। जैसे कि तुलसी, नीम ट्री, इक्वलिपटस, गार्लिक प्लांट, ठीक है। देन वुड फ्रॉम प्लांट। हम घर के फर्नीचर के लिए वुड भी कहां से पाते हैं? इसी प्लांट से पाते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। हम ट्रीज से डिफरेंट टाइप ऑफ वुड पाते हैं, वुड ऑफ सीसम, वॉलनट, टिक ट्री। ये जो सीसम, वॉलनट और टिक ट्री है इससे हम वुड पाते हैं, जिसके वजह से हम उससे क्या बनाते हैं? अपना घर का जो फर्नीचर है वो सब हम बनाते हैं। We also make doors, windows of our houses from wood. और wood से हम हमारे घर का जो door होता है, window होता है, और हमारा जो घर वो भी wood से ही बनाते हैं। Then wood is also used for burning. और गांव में लोग उसको खाना पकाने के लिए भी wood को उसका यूज करते हैं। Then oil from plants. हम जो cook करते हैं food, वहां पे जो जिससे जो ऑयल डालते हैं वो ऑयल भी एक प्लांट से ही आता है, ठीक है। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। जो खाने के लिए जो ऑयल का इस्तेमाल करा जाता है वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट से आता है, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट, ठीक है। The oil are used for cooking food and making soaps. तो यही ऑयल से हम हमारा फूड को क्या करते हैं? कुक करते हैं और सॉप्स भी बनाते हैं। Then fiber from plants. प्लांट से हम फाइबर भी पाते हैं। फाइबर से हम क्या बनाते हैं? हमारा क्लॉथेस, घर का मैट है ना, और रोप्स। We get cotton fiber from the cotton plants. हम cotton fibers कहाँ से पाते हैं? Cotton fiber से पाते हैं। So cotton plants से cotton fiber हम पाते हैं। Cotton fiber is used for making cotton clothes. और cotton fiber किसके लिए यूज करा जाता है? उससे हम हमारा जो cotton clothes से उसको बनाने में यूज करते हैं। Then we get jute fiber from the jute plant. और jute fiber हम जूट प्लांट से पाते हैं। जूट फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग मैट, बैग, रोप्स। जूट से हम क्या बनाते हैं? बैग, हमारा जो स्कूल का बैग है, रोप जो है, मैट, घर का जो मैट है, वो सब चीज जूट से बनाया जाता है। तो जूट भी कहां से आता है? प्लांट से ही आता है। देन परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। परफ्यूम, हम परफ्यूम लगाते हैं अपने बॉडी में, ये परफ्यूम भी प्लांट से ही बनाया जाता है। वी गेट परफ्यूम्स फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, जस्मिन, चंपा, और कितने सारे फ्लावर है कोई प्लांट का, क्या क्या, रोज, जस्मिन, चंपा, इस फ्लावर से हम क्या परफ्यूम बनाते हैं। नेक्स्ट, फूडर फ्रॉम प्लांट्स। और इसी प्लांट से कई ऐसे जानवर है जो प्लांट खाके वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर फूडर फॉर एनिमल्स। जितने भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स उसको खाते हैं, जैसे कि काओ, हॉर्स, ये सब क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, और भी कई सारे यूज है प्लांट का। देखो, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। जो रबर है, इरेजर है,
वो हम कहाँ से पाते हैं? रबर ट्री से पाते हैं। वी गेट गम फ्रॉम बाबुल ट्री और अकाशिया ट्री। जो गम है, जो गम का इस्तेमाल करते हैं, हमारा किताब फट गया तो जो हम गम का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक प्लांट से ही आता है, जैसे कि बाबुल ट्री और एकेशिया ट्री। देन वी गेट पेपर फ्रॉम बाम्बू ट्री। जितने भी पेपर हैं हम जो जिस नोट में लिखते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, वो सब पेपर भी एक बाम्बू प्लांट से ही बनाया जाता है। देन सम बिग ट्री लाइक बनियन, अशोका एंड लिम गिव्स अस शेड्स। बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है जैसे कि बनियन, अशोका, लिम, जो कि हमें शेड्स देता है। सम प्लांट्स आर यूज्ड आज हेजेस। डेड एंड ड्राइड प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड आज मैनर। और जो प्लांट सूख जाता है या ड्राई हो मर जाता है, ड्राइज हो जाता है, उसको भी हम मैनर करके यूज करते हैं, आज ए मैनर हम उसको यूज करते हैं। देन प्लांट्स मेक द एयर प्योर। प्लांट्स मेक द एयर प्योर। जो एयर है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसको भी वो प्योर करता है प्लांट। वी शुड ग्रो प्लांट्स टू कीप द एयर प्योर। एयर को प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा। तो बच्चों, हम सब जानते हैं, इस चैप्टर पढ़ के हम जाने हैं क्या ना, जितने भी सारे प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। इसी प्लांट्स के वजह से हम धरती पे जिंदा है, ठीक है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, लेकिन उसके बदले हम क्या करते हैं, इंसान ना उसी पेड़ को काट देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, पेड़ को बचाना पड़ेगा। जितना भी हो सके हमें हर दिन एक एक प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है।